नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 7 भर्ती परीक्षाओं की पात्रता हासिल करने के लिए आयोजित की जा रही सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर पात्रता परीक्षा का आयोजन आज से शुरू हुआ। 28 जिलों में 3 दिनों तक 6 पारियों में आयोजित होने जा रही इस भर्ती परीक्षा में प्रति पारी करीब 2 से 2.5 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा देकर लौटे परीक्षार्थी जहां पेपर आसान होने की वजह से खुश नजर आए, तो वहीं इस बार यातायात व्यवस्था थोड़ी माकूल होने की वजह से अभ्यर्थियों को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। रेजिडेंट स्टाइपेंड वेतन बढ़ाने और ब्रांड प्रोसेस खत्म करने जैसी मांगों को लेकर प्रदेश भर के रेजिडेंट फिर से हड़ताल पर हैं। पिछले 10 महीनों में रेजिडेंट डॉक्टर्स 5वीं बार हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते मरीजों को खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच अब जयपुर में सीनियर डॉक्टर्स ने रेजिडेंट्स की हड़ताल का विरोध शुरू कर दिया है। एसएमएस अस्पताल के सभी एचओडी ने रेजिडेंट्स हड़ताल को गलत बताते हुए पहली बार इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल को पत्र भी लिखा है। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में दोनों ही प्रमुख पार्टियों की नजर है, तो वहीं आरएलपी और बाप भी इन सीटों पर अपनी ताकत दिखाते हुए नजर आ रही है। बाप ने जहां 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, तो वहीं आरएलपी की ओर से अपने नामों की घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस की ओर से साफ कर दिया गया है कि उपचुनाव में वह किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। ऐसे में राजस्थान की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव अब काफी दिलचस्प बनते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश में मौसम लगातार बदलने के साथ ही अब लोगों को गर्मी से राहत मिलती जा रही है। बीते 2 दिनों से प्रदेश में बादलों की आवाजाही और कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इसके साथ ही सुबह और शाम को हल्की गुलाबी सर्दी का एहसास भी होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में भी तापमान में और गिरावट दर्ज होने की संभावना है, तो वहीं अक्टूबर के अंत तक दिन और रात के तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री तक की और गिरावट होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। राजस्थान में एसीबी द्वारा पिछले 1 साल में कई बड़े नामी लोगों पर अपना शिंगजा कसा है, जिसमें कई बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं। इसके साथ ही अब एसीबी महंगे गिफ्ट लेने वालों पर पैनी नजर रख रही है। एसीबी की रडार पर कई बड़े विभागों के महंगे गिफ्ट देने और लेने वाले एसीबी सूत्रों के हवाले से कई विभागों के अधिकारी पर एसीबी की नजर रखी गई है। मिठाई के डब्बों में रिश्वत पर भी एसीबी की नजर है। एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहरडा ने समस्त चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि महंगे गिफ्टों से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखी जाए। एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहरडा ने आमजन से भी अपील करते हुए कहा कि अगर किसी को ऐसी सूचना मिले तो एसीबी के हेल्पलाइन नंबर 1064 पर सूचना दे। हनुमानगढ़ जिले में बढ़ रहे नशों को जड़ से खत्म करने को लेकर हनुमानगढ़ जिला प्रशासन लगातार मानस अभियान के जरिए आए दिन अनूठे नवाचार कर रहा है। सामाजिक संस्था भटनेर किंग्स क्लब और जिला प्रशासन के तत्वावधान में मंगलवार को समान पात्रता परीक्षा के मौके पर जिला मुख्यालय के 41 केंद्रों पर परीक्षार्थियों को अतिरिक्त जिला कलेक्टर उमेदीलाल मीणा ने मानस अभियान के तहत नशा मुक्ति हनुमानगढ़ अभियान की शपथ दिलाई। शपथ के जरिए परीक्षार्थियों को बताया कि आप अपने परिवार, दोस्तों, मोहल्ले, वार्ड में जो भी नशा कर रहे हैं उसे नशा नहीं करने के लिए जागरूक करेंगे, ताकि इस जागरूकता से ही नशे को जड़ से खत्म किया जा सके। त्योहारी सीजन में अब चांदी के दाम आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। चांदी के दाम अब 1 लाख रुपए के पार हो चुके हैं। बुलियन बाजार में चांदी 1,00,600 रुपए प्रति किलो बेची गई। सोमवार दोपहर तक 99,800 रुपए प्रति किलो चांदी के भाव थे, लेकिन शाम तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उछाल के चलते 1 लाख का आंकड़ा पार हुआ। इस साल अब तक चांदी 32.56% तक महंगी हो चुकी है। सोना और चांदी की कीमतों में अभी भी 84 का अनुपात है, यानी सोने के भाव चांदी से 84 गुना ज्यादा है, लेकिन चांदी में तेजी हो रही अनुपात घटकर 60% तक रह जाएगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बलात्कार के मामले में न्यायिक हिरासत में बंद पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जादस के पूर्व सांसद प्रज्वल ने घरेलू नौकरानी से रेप मामले में जमानत और एहसन जिला पंचायत के पूर्व सदस्य पर बलात्कार और अश्लील वीडियो साझा करने के मामले में अग्रिम जमानत मांगी है। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली एकल सदस्यीय बेंच ने प्रज्वल की याचिकाओं पर सुनवाई और उन्हें खारिज कर दिया है। कोर्ट की सुनवाई के दौरान प्रज्वल रेवन्ना की ओर से दलील देने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभुलिंगा नवदमी ने कहा कि फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ने वीडियो में आरोप और पीड़िता की मौजूदगी को स्पष्ट नहीं किया है।
राजस्थान में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से अपनी रणनीति तैयार करते हुए सातों सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी की जा रही है। हालांकि सूची पर अंतिम मोहर दिल्ली आलाकमान की ओर से मोहर लगेगी। सोमवार को हुई बैठक में सचिन पायलट की गैर मौजूदगी खासी चर्चाओं में रही। हालांकि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सचिन पायलट के विदेश दौरे पर रहने के चलते मीटिंग में नहीं आने की बात कही, साथ ही फोन पर बात करने की बात भी डोटासरा ने कही। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी अब इसको मुद्दा बना रही है। बीजेपी ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि कांग्रेस की गुटबाजी उनको उपचुनाव में भारी पड़ेगी। एसआई भर्ती रद्द करने की मांग जहां एक ओर पूरे जोर शोर से उठाई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर ट्रेनी एसआई के परिजन भी किसी भी प्रकार से अपने बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं हो इसको लेकर उनकी आवाज बुलंद कर रहे हैं। एक बार फिर से ट्रेनी एसआई के परिजन आंदोलन की राह पर उतरते जा रहे हैं। परिजनों द्वारा 25 अक्टूबर को शहीद स्मारक पर फिर से धरना प्रदर्शन करते हुए सीएम भजनलाल से भर्ती को रद्द नहीं करने की मांग की जाएगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें, कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।